काउंटर्स पर, वरना शाम को जो पार्टी होती है, शाम को जो इवनिंग होती है, उसमें पता नहीं क्यों लोग जल्दी में होते हैं, सुन कम रहे होते हैं, बोल ज्यादा रहे होते हैं। I came to Mumbai on the 3rd of June 1981. I had come with a gold medal from drama school, but I was bald and thin. This is a very dignified, sexy bald look. But when you are balding at some stage, half the hair have gone from here, half the young hair from here, so that's not a very great look. And in Mumbai at that time, to be an actor without hair was impossible task. I did not know that. यहाँ कहते थे आपका हेयर स्टाइल है कि नहीं है, बाल है कि नहीं, तो आप एक्टर बन सकते हो, बिना बाल के आप एक्टर कैसे बन सकते हो? अरे मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैंने मुझे सब कुछ पता है। नहीं नहीं नहीं, बाल नहीं है, आप असिस्टेंट बन जाइए, राइटर बन जाइए। तो जितने थोड़े बहुत मैंने पैसे इकट्ठे किए थे वो तो 3 महीने में खत्म हो गए। एंड आई यूज्ड टू लिव इन बांद्रा ईस्ट, माय लैंडलेडी वाज अ धोबन। हाँ, तो हम 4 स्टूडेंट्स एक कमरे में, मिस्टर सेठी इज हियर एंड दिस लवली वाइफ, दैट्स सो सच अमेजिंग मेमोरीज ऑफ एवरीबॉडी। तो धोबन जो थी वो किचन में सोती थी अपने 4 बच्चों के साथ, और मैं 4 स्टूडेंट्स मतलब जो थे हम 4 स्ट्रगलिंग एक्टर्स, वो दूसरे कमरे में सोते थे। तो पहले दिन मैंने उससे पूछा, उसके बड़े बेटे से, कि भाई मेरा एड्रेस क्या है? तो उसने कहा कि मैं लिख के देता हूँ। मैंने कहा मेरे फादर को बोलना पड़ेगा कि इस एड्रेस पे चिट्ठी लिखो। तो जब उसने एड्रेस ला के दिखा, मैं जोर से हंसा। और वो एड्रेस मेरा क्या था? पहला, अनुपम खेर 2x15 खेरवाड़ी खेर नगर खेर रोड बांद्रा ईस्ट। तो मैंने कहा मुझे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बट मुंबई इज अ सिटी विच गिव्स चांस टू एवरीबडी, बट also it's a city, if you're not somebody, people are not really looking at you. Means you are, it has a place for everybody. So, din nahi katta tha. Din katta hi nahi tha. Subah ho jati thi, aap roz, aap aajkal ki tarah thoda hai ki aap casting director ke paas ja sakte hain, there is a professional way of finding work. Un dino darwaze khatkhatane hote the. Devanand sahab ke paas gaya tha main, to unhone pehle padhaye, Anupam, 2x15, Kherwadi, Khernagar, Kher Road hai, tumhara address. But he was very enthusiastic and he was very, very loving. Rahim Masoom Saab Raza Magara. Then, wo bhi khab khatam ho gaya. So, main kya karta tha? Just to kill time, main Bandra East se local train leta tha aur main all the way Charni Road tak jata tha. Aur phir wapas aata tha. To main din mein 3-4 baar karta tha aisa, to time kat jata tha. Aur also main logon ko dekhta tha. मुझे लगता था कि लोगों को देखते हैं एक आगे जाके मेरे को हेल्प होगी एक्टिंग में। तो एक पर्टिकुलर सीट होती थी जो खिड़की के पास होती थी, और मैं खिड़की से बाहर देखता था। एंड ट्रेन में ट्रेजेडी जरा ज्यादा एक्सेंचुएट हो जाती है, प्लेन में ऐसा नहीं लगता। तो मैं ऐसा सोचता था कि किसी दिन तो मेरा कुछ ना कुछ होगा। तो एक दिन जब मैं बैठा, तो मेरे साथ वाली सीट पर, जिस सीट पर मैं बैठता था, वहां पर एक श्रीमान जी बैठे थे विद डार्क ग्लासेस and looking out of the window and with a stick in his hand. So I said, okay, now I'll sit next to him. So as the train moved, he started looking outside and told me, young man, you're restless. So maine kaha, haan ji, why are you restless? Hindi bol raha, kyun aap restless kyun? Main padha likha actor hoon, mujhe kaam nahi mil raha hai, badi besti hoti hai, मैं चक्कर काटता हूँ। अच्छा, तो कलरफुल कपड़े पहना करो। तो मैंने वाइट शर्ट पहनी हुई थी, तो मैंने कहा कि उससे कर नहीं, पहनो कलरफुल शर्ट पहनो। ओके सर। आफ्टर सम टाइम ऑन इन एल्फिंस्टन रोड, वो गाड़ी रुकी, ट्रेन उठा एंड ही वॉक्ड आउट एंड आई डिस्कवर्ड ही वाज अ ब्लाइंड मैन। So for a blind man to tell me that you should wear a colorful clothes, it was so unbelievable. I sat in that train at the same time so many months to find that who that person was. I couldn't find out.